हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विट्स कुकिंग। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी सी और डिलीशियस सी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो मेरे बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। वैसे आपने देखा होगा कि बच्चे मशरूम खाते नहीं है, तो हमको उसको किस वे में खिलाना है वो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, मशरूम पाव। तो आइए देखते हैं हमको इसके लिए क्या क्या चाहिए। दो पैकेट मशरूम लिया है, 3 से 4 बार हमने इसको अच्छे से पानी से धोकर और इसको काट लिया है। 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े प्याज, 2 टमाटर को पीस के उसकी प्योरी बना ली है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच तेल, आप इसमें घी भी यूज कर सकते हो, तेल भी जो आपकी मर्जी, बटर और चीज। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और 1 बड़ा चम्मच इसमें हमने तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें हम जीरा डालेंगे और इसको 2 मिनट तक चलाएंगे। जीरा ठंडे तेल में नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो कच्चे जीरे का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम 2 मिनट तक चलाएंगे, थोड़ा सा पिंक होने तक। अब हमारा प्याज देखिए हल्का का पिंक हो गया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा लाल होने तक भूनेंगे। प्याज लहसुन और अदरक को लाल होने तक हम इसको भूनेंगे। अब ये प्याज एकदम देखिए लाल हो चुके, अब इसमें हम टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये टमाटर को हमको 5 मिनट तक अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। लहसुन प्याज टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, फिर अब इसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें नमक डालते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च। मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च यूज़ की है और लाल मिर्च यूज़ की है। अब सूखा धनिया डाल देंगे, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, मशरूम में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको हम सब मसालों को इसको हम कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से, जब तक कि इन सबकी खुशबू इस मसाले में मिक्स ना हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। इसके साथ ही अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे और हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाए। तो हम इसमें बटर डालेंगे। अब इसको हम 10 मिनट तक मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अभी हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया। अब हम इसमें जो हमने मशरूम काट के धोकर रखे हैं अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमको पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हमको इसको एकदम ड्राई बनाना है और मशरूम खुद का भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम इसको ड्राई बनाना है और इसको स्लो गैस पर रख देंगे के गलने तक। पंद्रह से 20 मिनट तक हम इसको ढक के रख देंगे और 15 से 20 मिनट में हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी, फिर हम इसकी आगे की तैयारी करेंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हमारी सब्जी बनकर पूरी अच्छे से तैयार हो गई। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी टेस्टी बनी है। ये इसमें आपको देखिए ऑयल दिख रहा है, क्योंकि हमने इसमें बटर भी डाला था। अगर आप कम तेल भी खाना पसंद करते हैं तो आप ऑयल को स्किप कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें गरम मसाला डालेंगे
और हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें मशरूम पाव बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम पाव लेंगे और इसको बीच में से काट देंगे। इसको हमने काट दिया है। अब तवा रखेंगे गैस पर और थोड़ा सा बटर लेंगे। इसको हम बटर से सेक लेंगे। पाव को हम बटर में अच्छे से सेक लेंगे और थोड़ा सा बटर हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे क्योंकि हमको इसको दोनों साइड से सेकना है। आप बटर कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए हमारा पाव एकदम अच्छे से सेक गया है। अब हम इसमें पहले मशरूम डालेंगे जो हमने मशरूम बनाए। हम इसको अच्छे से डाल लेंगे। ये हमने इसमें अब मशरूम डाल लिया है। अब हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और चीज डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसमें से कोई भी चीज ना डालना चाहे तो वो नहीं डाल सकते। मेरे बच्चों को ये ऐसे बहुत पसंद है। देखिए बस ये हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। हमारे मशरूम पाव बनके तैयार हो गए हैं और ये खाने में यकीन मानिए इतने टेस्टी लगते हैं ना, और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको इस तरह की और नई नई रेसिपी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।